33 पीपल, एक आदमी। हाउ, कौन है तो? फाइनली दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री से हो गया है मेगा स्टार चिरंजीवी की एक और बड़ी फिल्म भोला शंकर का ऑफिशियल टीजर रिलीज। उसके पहले आपको बता दूं, 2015 में आई सीयू के डायरेक्शन में बनी वेदालम फिल्म का रीमेक है, जिसमें हमें एज ए लीड रोल में अजीत कुमार नजर आए थे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी, जिसकी वजह से इस फिल्म का रीमेक बन रहा है। अब इस फिल्म को किनारे करके मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म भोला शंकर की बात करें तो टीजर की शुरुआत ही चिरंजीवी के दमदार एक्शन और फाइट के साथ हुआ है। क्योंकि यह एक रीमेक फिल्म है, इसलिए ज्यादातर लोगों को इस फिल्म की स्टोरी पता होगी, पर टीजर देखने के बाद कहीं भी इस फिल्म की स्टोरी लाइन रिवील नहीं हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर मेहर रमेश के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, जिन्होंने इस फिल्म में साउथ के काफी बड़े बड़े एक्टरों को लिया है, जिसमें एज ए लीड रोल में मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ मुरली किशोर, सुशांत, वेनिला किशोर, रघु बाबू जैसे बड़े बड़े एक्टर के साथ एक्ट्रेस के रोल में तमन्ना भाटिया और कृति सुरेश देखने को मिलने वाली है। और यह फिल्म अप्रॉक्स 80 से 90 करोड़ के भारी बजट के साथ बनाई जा रही है, जो इसी साल के 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही। पर इसी दिन यानी कि 11 अगस्त को बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म गदर 2 रिलीज हो रही है। तो क्या मेगा स्टार चिरंजीवी की रीमेक फिल्म भोला शंकर गदर 2 के सामने टिक पाएगी, ये तो मूवी रिलीज होने के बाद पता चली जाएगा। वैसे अगर आप लोग बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों का सबसे पहले अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।